Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके बीच में पहुंच रहे हैं सच्चाई जानने के लिए। सूत्रों के नाम पर नहीं, आपको कुछ दिखाएंगे, लोगों के सीधी जुबानी आप तक दिखाएंगे, आपको लोगों से सीधा रूबरू करवाएंगे। आज हम खड़े हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। देख रहे होंगे कि काफी लोग आज भी डेरा सच्चा सौदा में आए हुए हैं, आज भी इतने सारे लोग डेरा सच्चा सौदा में खड़े हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आज इनका विश्वास कैसा है बाबा राम रीम जी पर, क्यों आज ये लोग डेरा सच्चा सौदा में खड़े हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बलराम इंसान जी। सर, आप डेरा सच्चा सौदा में कितने समय से आ रहे हो? लगभग 22-23 साल। 22-23 साल से क्या काम करते हो सर? मैं एज ए ड्राइवर हूँ। ओके ओके सर, इतने समय से आप यहाँ पर आ रहे हो, किस तरह का माहौल लगा आपको यहाँ पर? शायद दुनिया के किसी भी तख्ते पर ऐसा माहौल नहीं होगा जो अपने डेरा सच्चा सौदा यहाँ आश्रम में है। यहाँ पर अगर एक छोटा सा बच्चा भी, बोलते हैं कि मेले में खो जाता है, तो यहाँ उसको भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कहीं इधर उधर चला जाए। वो भी अपने माँ बाप से अलग होकर एक सही स्थान पर अपने आप ही पहुँच जाता है। इतना विश्वास, इतनी आस्था लोगों की इस दर पर है। सर, यहाँ के बारे में लेकिन बहुत कुछ दिखाया गया, लगातार लोगों ने जाना यहाँ के बारे में, बहुत कुछ देखा, आपका क्या कहना है, क्या सच्चाई थी उन बातों में? 1% बिल्कुल भी सच्चाई ऐसी नहीं है कि लोग बाग जो देखकर विश्वास कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों को कि आप लोग वाकई न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन उस सच्चाई को जानकर तभी आपको विश्वास करना चाहिए कि कहाँ क्या है। मैं यही कहूँगा कि एक बार, सिर्फ एक बार आप डेरा सच्चा सौदा में आकर देखिए कि यहाँ क्या है, क्या सच्चाई है, क्यों इतने लोग अभी भी बाबा जी के पीछे इतने आए हुए हैं, जो हर अपने माहवारी सत्संग पर भी, अपने साप्ताहिक नाम चर्चाओं में भी लगातार जुड़े हुए हैं, मानवता भलाई के 134 कार्य लगातार दिन रात कर रहे हैं। अभी भी अपने मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में एक बॉडी दान की गई है अभी पिछले हफ्ते, बहुत ही अच्छा रस था, आप लोगों ने देखा भी होगा, शायद मीडिया पर भी वो दिखाया गया, तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स। अपने सदगुरु की प्रेरणा से ये लोग सभी करते हैं, जो मानवता भलाई के 134 मानवता भलाई के कार्य हैं उनको दिन रात करके ये आगे बढ़ा रहे हैं। अपने सदगुरु की प्रेरणा पर चलते हुए ये दिन रात उन कार्यों को कर रहे हैं जी। समाज को कितनी जरूरत है आज गुरु जी की? समाज को तो टोटल जरूरत इस टाइम अपने सदगुरु की है, क्योंकि आप देखिए जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी मिशन हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, इस समय पर 101% जो संस्था सबसे ऊपर है मानवता भलाई के कार्यों में, वो डेरा सच्चा सौदा है। इससे अलग आज आप एक भी ऐसी कोई संस्था दिखा दीजिए, ऐसी कोई सरकार दिखा दीजिए जिसने इतने मानवता भलाई के कार्य किए हों, जिसने इतनी बॉडी डोनेट किए हों, आने वाले नए जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके पढ़ाई के लिए ये बॉडी डोनेट करते हैं, मानवता भलाई के लिए ब्लड दान करते हैं। एक एक बंदा ऐसा है जिसने अभी तक 100-100 बार ब्लड दान किया है और मानवता भलाई के कार्यों के लिए दिन रात अग्रसर रहते हैं। सरकार से क्या अपील करोगे गुरु जी के लिए, बाबा राम रीम जी के लिए? देखिए, सरकार से मेरी यही अपील है कि इस मरती हुई मानवता को जिंदा रखने के लिए आज जरूरत है डेरा सच्चा सौदा के हुजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा को इस समाज में लाने के लिए आप हर संभव और सच्चा कार्य करें, जो आपको लगे कि हाँ ये सच्चाई है, और उस सच्चाई को आप साथ देकर आज महाराज जी को, इस समाज को समर्पित करें, क्योंकि इस समाज को अगर कोई बचा सकता है तो डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, अन्यथा इस समाज में जो आने वाला समय है इतना भयानक है कि कहने सुनने से परे है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कितना भयानक समय आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खड़े हैं वो समाज सेविक जो समाज के लिए जीते हैं, जो समाज के लिए 100-100 बार खून दान करते हैं, जो समाज के लिए अपनी किडनी दान करते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे अंदर ये सामाजिक काम करने का जो जज्बा है वो बाबा राम रीम जी ने भरा। आप लोग सोचिए, जो लोग समाज के लिए इतना कर रहे हैं उनके लिए आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और ऐसी बातें, सच्ची कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ। धन्यवाद।